कदीर सपने रहने के न भयो कड़े जे छे हे जद सौ जद दोई जड़ा जद जागू जद हे कभी युग पुरुष युग प्रवर्तक साहेब कबीर कहा गया और साहेब का मतलब होता है वो ब्रह्मांड नायक वो सृष्टि रचेता वो हमारा मालिक वो हमारा गॉड वो हमारा खुदा जो इस सृष्टि को चला रहा है जिसने इस दुनिया को बनाया है। उन्हें इसी नाम से जब सुशोभित किया गया तो उसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक है। कबीर ने कहा कि कबीर सपने रैन के भयो कड़े जे छेक जद सो जद दोई जना जद जागू जद ही। जब मैं सोता हूं तो हम दो होते हैं और मैं जब जागता हूं तो मैं अकेला होता हूं। मगर एक बात इस एक स्थान पर यूं कहा कि एक राम दशरथ घर डोले एक राम दशरथ घर डोले एक राम घटघट में बोले एक राम का सकल पसारा और एक राम है जग से ही न्यारा। तो कितने राम हो गए? चार। मित्रों कबीर सपने रैन के रे भयो कड़े जे छे जद सो जद तोई जड़ा ने जद जागू जद ये आधी रैन निकस गई आधी रैन निकस गई जगत गया सब सो ये चाहे इस भजन के बाद में होगी इस भजन के पश्चात सभी के चाय की व्यवस्था होगी। बिल्कुल हम रुकेंगे विराम लेंगे। धन्यवाद। ये थोड़ी सी बुरी आदत है क्षमा करें मुझे। आधी रैन निकस गई न जगत गया सब सो जा को चिंता पीव की तो नींद कहां से हो अरे सूती होती सती सेज में मरी हेली जागे तो जतन करे सूती होती सती सेज में मारी हेली जागे तो जतन करे अरे जत जागू जत एकली मारी हेली जत जागू जत एकली मारी हेली अरे रोए रोए रुदन करे मारी हेली अरे हालो संतों दे अरे राम जी मिलवारो ढाको कोट मरी है ये सावरियो मिलवारो ढाको कोट मरी है अरे हालो संतों सतसंगरी मालो नेस मारी हेली ए लागो संतारी वालो नेस मारी हेली ए चालो नी संतारे वाले दे
संतों का कौन सा देश, वो जहां पर न चांद न सूरज न दिन न रात न सुख न दुख न अपना न बेगाना सभी शून्य में समावेश जब हो गया तो संतों के देश व्यक्ति पहुंच गया। और जो संतों के देश पहुंच जाता है उसे फिर ये जो नोटबंदी का काम चल रहा है ना अभी, उसे आवश्यकता ही नहीं है, उसे ये चिंता ही नहीं है कि मुझे 4,000 रुपए बदलवाने के, 2,500 रुपए एटीएम से लेने, ये चिंता ही नहीं है। ये चिंता हम पर लागू, ये दोष शरीर के, जो शरीर पर लागू, आत्मा पर कोई किसी का दोष है ही नहीं। वो तो वहां से आई थी, जहां से आई थी वही वापस जा रही है। मगर सुकृत हो, अच्छे काम करे तो वापस, क्योंकि नित्रो जन्मणो नित्रो मरणो नित्रा करे घरवासा, नाथ विवेक तम दुख नासे, करो हृदय प्रकाशा डिडरिया तज दे छिलरियरी आशा वासा। तो अरे राम जी, अरे राम जी भजवारो लागो कोट मरी देवी, हरि हरि जी भजवारो लागो कोट मरी देवी, अरे हालो संतो रे ते हे। जो भी भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो रही है वो देने वाला तो वो रब है, वो भगवान है, मगर माध्यम संगीत है, भक्ति संगीत है, शब्द और उसके साथ न्याय, भाव और भजन। भजन में भाव है तो भजन अच्छा लगेगा, भाव नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो भी कुछ चीज है ये भाव से सत्संग की गई थी। आप यकीन करें, आज एक इतना बड़ा आयोजन था राजस्थान की, एक ऐसी जिन्हें स्वर सौम्राज्य कहो तो अतिशोक्ति नहीं होगी, परम श्रद्धेय स्वर्गीय कृष्णा जी छंगाड़ी की आज पुण्यतिथि थी, आज सत्संग थी, वहां पर मुझे जाना था, मगर आप यकीन करें मैं वहां नहीं गया, मगर यहाँ पर इतना प्रेम मजबूत था कि नहीं मैं वहां पर तो एक दो बार होके आया हूँ, यहाँ पर जाना जरूरी है। तो ये प्रेम की बात, तो फीलिंग उसकी, अरे पिया जी बिना रे मरो प्राण पड़े मरी हेली, झड़ बिन मछी ही चलो नी संत